कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य क्रमांक 8 दोहा अष्टक लेकर मैं सतीश पंडित इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार साला कणभा गुरुकुल में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 3 जगमगाते रत्न कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी के ज्ञानवर्धक दोहे हम देखेंगे। विद्यार्थियों, दोहे जो है वह सुबह सुबह सुनने में भी बड़ी मज़ा आती है। कुछ दोहे यहाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं साहित्य परिचय आपको दूंगा, साहित्यकारों का परिचय आपको दूंगा। कुछ दोहे जो है किस प्रकार लोगों के बीच में आज भी काफ़ी प्रख्यात हुए हैं, उनमें से एक दो दोहे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिले चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी, नदी नाव संजोग। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। विद्यार्थी भाइयों, दोहे मानव मस्तिष्क में एक आनंद की अनुभूति कराते हैं और हमें संस्कार से भी प्रेरित करते हैं। जीवन जीने का एक तरीका हमें दोहे दे जाते हैं। साहित्यकारों की परिचय की बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं। विद्यार्थियों, भक्ति की मुख्य दो परंपरा रही है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में हम भगवान के शाश्वत स्वरूप का जो वर्णन है वह हम देखते हैं, साथ साथ में मूर्ति पूजा भी यहाँ मुख्य विषय रही है। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में हम साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनके मानव आकार की हम चर्चा नहीं किया करते। तो उसी प्रकार की निर्गुण भक्ति परंपरा के महान कवि रहे हैं, ऐसे कबीरदास जी। उन्होंने अपने साहित्य सृजन में मानव को सुधारने की बात की गई है, मानव की जो गलतियां हैं उन गलतियों के ऊपर उन्होंने प्रकाश फेंका है। कबीरदास जी के कुछ दोहे देखेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा, ना काहू से बैर। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए वह कहा करते थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरा, पीस खाए संसार। तो कबीरदास जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं।
वे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उनके जो संत मंडल जो था, उनका जो संत मंडल था, उस संत मंडल के सभी सदस्य उनके द्वारा कही गई वाणी को, कबीर वाणी को अपने स्वहस्ताक्षर से लिख दिया करते थे। इस प्रकार कबीरदास जी का साहित्य बना, जो बीजक नामक साहित्य कृति में प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी हिंदी साहित्य के जगमगाते रत्न हैं। वह चंद्र के समान शीतल साहित्य के सर्जक रहे हैं, इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य के चंद्र भी कहा जाता है। उन्होंने भी साहित्य सर्जन बहुत उत्तम किया है। उनकी रामचरितमानस भारतीय मानस में हमेशा छा गई है और उन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य भी लिखा है। उन्होंने बहुत अच्छे दोहे भी लिखे हैं, उनका एक हम दोहा देखेंगे। तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिले चालिए नदी नाव संजोग रे तुलसी। एक और दोहा देख लेते हैं, उनका बहुत ही अच्छा है। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, और निको शीतले करे आपहुं शीतले होय रे तुलसी, आपहुं शीतले होय। अब हम देखते हैं रहीम दास जी। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। भारत के एक बहुत ही यशस्वी राजा अकबर के नौ रत्नों में से एक थे रहीम दास जी। और रहीम दास जी बहुत ही अच्छे कवि साहित्यकार थे, और उन्होंने भी जो दोहे लिखे हैं वह मानस पट पर अंकित हो गए हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो आइए अब इनका साहित्य जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसका हम वाचन करते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी टेक्स्ट बुक के इन दोहों को अच्छी तरह से कंठस्थ करने की कोशिश अवश्य करना। सबसे पहले कबीरदास जी, उसके बाद तुलसीदास जी और अंततः रहीमदास जी के दोहे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न दे फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कि कई व्यक्ति जो होते हैं वह काफ़ी धनवान होते हैं, लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं करते। जिस प्रकार खजूर का पेड़ काफ़ी ऊंचा होता है लेकिन वो किसी को छाया नहीं देता, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। ऐसे बड़े व्यक्ति क्या काम के जो दूसरों की मुसीबत में मदद ना करे। अन्य संकटग्रस्त व्यक्ति की जो मदद करता है वही बड़ा कहलाता है। पंथी को छाया न दे, पंथी यानी मुसाफिर, पंथी यानी मुसाफिर यात्री। तो यहाँ हम कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे, समानार्थी शब्द देखेंगे। समानार्थी शब्द पंथी, पंथी का समानार्थी शब्द होगा मुसाफिर। मुसाफिर या फिर यात्री या राही, यात्री या राही। तो इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है, वही व्यक्ति महान कहलाता है जो संकट में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करता है, मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करता है। वरना वह व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह होता है कि जो काफ़ी ऊंचा चला जाता है लेकिन उसके फल भी काफ़ी ऊपर लगते हैं और
वह जो है कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार का खजूर का पेड़ जो है काफ़ी ऊपर होता है धरती से। अब यहाँ कोई व्यक्ति बैठेगा तो जरा सोचो उसको छाया लगेगी, इसकी छाँव तो पता नहीं कहाँ विलीन हो जाए, उसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार यदि आप बड़े हैं, आप धनवान हैं, तो आपको खजूर के पेड़ की तरह नहीं लेकिन अच्छी तरह से अन्य पेड़ों की तरह जो छाया देते हैं उनकी तरह अन्य व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो वह व्यक्ति तो आपको बहुत ही अच्छा मानने लगेंगे। दूसरा दुआ देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुपशुभाय, साधु ऐसा चाहिए जैसे सुपशुभाय, सारे सारे को गई रहे थो था देही उड़ाए कबीरा, थोठा देही उड़ाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि साधु पुरुष सुपड़े जैसा होना चाहिए। आपने सुपड़ा देखा होगा ना, गेहूं साफ करने का या चावल अनाज जो होते हैं उसे साफ करने का सुपड़ा होता है। उसमें क्या होता है कि आप सुपड़े में से अनाज को साफ करते हैं तो कचरा कचरा जो होता है आगे निकल जाता है, उसको आप फेंक देते हैं और अच्छा अनाज सुपड़े में आपकी तरफ बढ़ चला आता है। तो उसी प्रकार संत पुरुष जो होते हैं वह सुपड़े जैसे होने चाहिए कि उनमें जो कुछ बुराइयाँ हो वह उन्हें निकाल के फेंक दे और अच्छे अच्छे तत्वों को वह ग्रहण करे, और उसके कारण वह संत जो है अन्य व्यक्तियों को आदर्श स्थिति में रख सकता है। इसीलिए कवि कबीरदास जी यहाँ संतों की विशेषता बता देते हैं। सूप अर्थात अनाज फटकने का छाज, यहाँ सूप देखेंगे, सूप यानी सुपड़ा, अनाज साफ करने का पात्र, अनाज साफ करने का यह पात्र है सुपड़ा, उसकी बात बताई गई है। तो यहाँ संतों की भी विशेषता बता दी गई कि संत जो होते हैं वह अपने आप में बुराई लेकर आगे नहीं बढ़ते, वो अपनी बुराइयों को बाहर निकाल फेंकते हैं। और सुपड़ा भी जो होता है वह जो खराब अनाज होता है उसे बाहर निकाल के फेंकता है। इसलिए कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा है सूप सुभाय, सार सार को गही रहे न ठोठा दे ही उड़ाए। अब हम कबीरदास जी का अंतिम दोहा जो अभ्यास क्रम में दिया गया है उसे देखेंगे। आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिरे धुने लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। लालच, लालच बहुत बुरी चीज है, उसकी बात की गई है कि लोभ और लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी उस परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं सकता। यदि निकलना चाहे तो भी वह क्या करता है कि ऐसा फंस जाता है कि बाहर आ ही नहीं पाता। इसलिए लालच जो है उसका त्याग करना ही जरूरी है। यदि वह लालची व्यक्ति लालच का त्याग करेगा तो ही वह परिस्थिति से बाहर आएगा, वरना जितनी निकलने की कोशिश करेगा उतना फंसता चला जाएगा। यहाँ उदाहरण भी बहुत सुंदर दिया गया है। यहाँ उदाहरण एक मक्खी का दिया गया है जो गुड़ को खाना चाहती है। गुड़ को खाते 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 उसके दोनों पंख उसी गुड़ में चिपक जाते हैं, और उसके बाद वह जितना प्रयत्न करेगी बाहर निकलने का उतना ही गुड़ में उसके पंख ज़्यादा चिपक जाते हैं और अंत में वह उसी में फंसकर मर जाती है।
इसीलिए कहा गया है कि लालचो व्यक्ति भी जो होता है वह धन और संपत्ति के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह उसी में फंस के रह जाता है, उसे आसपास के लोग, कुटुंब, सार तत्व, विवेक आदि चीजें दिखाई नहीं देती। उसे जो काम वह कर रहा है वही अच्छा लगता है, वह सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छी तरह से धन कमा रहा हूँ, मैं ही महान हूँ। लेकिन वह महान नहीं है, क्योंकि वह तो उसी में डूबकर एक दिन मर जाएगा। सामान्य सार तत्व इस दोहे की बात की जाए, माखी गुड़ में गड़ी रहे, मक्खी जो होती है वह गुड़ में यदि बैठी रहती है तो पंख लाए रहो लिपटाए, उसकी पंख जो है वह उस गुड़ में चिपक जाती है। हाथ मले और सिर धुने, उसके बाद वह अपने हाथ मारे या माथा मारे, लालच बुरी बलाए, लेकिन वह लालच में फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच में कभी पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी दास जी ने कहा भी है, लोभ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावे मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। हमें लोभ और लालच नहीं करना चाहिए, लालच करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं मुसीबत में फंस जाता है और बाद में उसे कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे हमने कबीरदास जी के तीन दोहे देखे, मैंने तीन दोहे प्रस्तुत किए। प्रथम दोहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, खजूर के पेड़ की तरह हमें नहीं बन जाना चाहिए, उसकी बात बताई गई है। दूसरे में साधु के गुणों की बात बताई गई थी। तीसरा जो दोहा था उसमें हमने देखा कि लालच जो है काफ़ी बुरी बला है, उसमें हमें नहीं फंस जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी के दोहे तक ही रहते हैं। मैंने प्रस्तावना प्रस्तुत की तीनों महान हिंदी साहित्य के कवियों की बात की, उनके संदर्भ की बात की, साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण दोहे लिए और कबीर के तीनों दोहे की समीक्षा प्रस्तुत की। आने वाले दूसरे वीडियो में भाग दो में मैं तुलसीदास जी और रहीम के दोहे आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों की इस वीडियो से अनुमति लेता हूँ। जय श्री हरि, जय स्वामीनारायण।